बहुत ही अमेजिंग कास्ट है हमारे साथ इस वक्त, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रहे हैं और अवार्ड फंक्शन में आए हुए हैं। पहले सबसे तो प्लीज अपने आउटफिट के बारे में बताइए कि कितनी मेहनत लगी है और किस तरह का आउटफिट है आज का। ब्लैक आउटफिट है, टक्सीडो, यू कैन सी दैट। कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। या समवन चोज दिस? वेल, this is all last minute, very honestly, by my stylist Upasana, and this is a nice ballroom pink, baby pink color gown. I always love all the Disney looks, everybody knows by now. And this is actually who real Alisha is, and I love to dress up like this. And you know, I have a pretty bow as well this time, and I love my gown. It has a long trail and I feel pretty, and I love the moment. Yeah, just a very simple gown, not less, but थोड़ा सा सिंपल और एलिगेंट मुझे ज़्यादा पसंद है, सो इट इज़ मी। एंड इट्स वेरी नाइस सिल्वर शिमरी एंड डार्जलिंग काइंड ऑफ, दैट इज मी। एंड या रियल लाइफ डिज्नी इज मी एंड डार्जलिंग इज यू, बट ऑन स्क्रीन इट्स उल्टा, इट्स उल्टा। सो या इट्स आई एम फीलिंग गुड एंड थैंक्स टू द अंकिता जिन्होंने ये स्टाइल किया है। वेल, हाँ, हम तीनों साथ में शो कर रहे हैं नथ, जहाँ आप हमें देखते हैं, और ये साल पूरा बहुत अच्छा रहा, बट आई एम वेरी श्योर कि नया आने वाला साल और भी अच्छा रहेगा और आप सब के लिए बहुत अच्छा रहे। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यू नो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस हमारी तरफ से, और लव यू ऑल, टेक केयर। हैप्पी न्यू ईयर यार, एडवांस में हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, अपने कंट्री से प्यार करो। जय हिंद प्लीज। हैप्पी न्यू ईयर पहले से सबको इन एडवांस। एंड यस, हम लोग तीनों एक साथ शूट कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। एंड यस, आने वाला साल भी सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सब अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ खुश रहे। एक्चुअली यू नो वॉट, हम अभी प्लान कर ही रहे थे कि वी ऑल आर हंग्री, क्योंकि हम ये लोग तो बहुत शूट करके भी आए हैं, मतलब मैं भी सेट पे थी, मैंने उतना शूट नहीं किया कुछ आज। और यार, हम सेट से आए हैं डायरेक्टली और भूख लगी है हम तीनों को, और स्पेशली हम दोनों ने इस आउटफिट में फिट होने के लिए यू नो या बहुत शिद्दत से, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एंड गेट आउट ऑफ दिस नाउ। एंड सो हम इसके बाद सोच रहे कि हम कहाँ जाए, कहाँ हम अपनी पेट पूजा करेंगे। See, मेरा रेजोल्यूशन आने वाले साल का ये है दैट लिव इन द मोमेंट। आई एम यू नो नॉट गोना वरी मच अबाउट ईदर द पास्ट और द फ्यूचर। आई थिंक यही करना चाहिए क्योंकि कल क्या होने वाले किसे पता, सो जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड एंजॉय वॉट एवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ विद यू। वॉट एवर शी सेड, लिव इन द मोमेंट, बाकी हेल्दी रहो यार, मेरा तो यही कहना है। लिव इन द मोमेंट में तभी रह पाओगे जब हेल्दी रहोगे, बिना हेल्थ के कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ये गलत बात है, सही बात है, पता है, हम तीनों की मेंटालिटी बहुत सेम है, इसलिए हम सेट पे सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड करते हैं। ये भी मेरा कहने वाला, हम तीनों एक जैसे हैं, सो आई गेस मोर ऑर लेस तीनों का रेजोल्यूशन सेम ही रहेगा। हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।